सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, साइंस जीके की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की, उसको कंटिन्यू करते हैं और आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप है उसे किस प्रकार की धमनी से मापा जाता है? बैक्टीरियल धमनी से मापा जाता है। मनुष्य का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, उसको बैक्टीरियल धमनी के द्वारा मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक नाम है? तो हास्य जो गैस होती है उसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम, वो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस के आविष्कारक हैं? तो कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? आइज़ैक न्यूटन है, वो आपके क्या है? कैलकुलस के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जो शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। जो शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो जो एड्स के विषाणु होते हैं वो किसको नष्ट करने का कार्य करते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। जो एड्स के विषाणु हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? तो उंगली का जो नाखून होता है उसमें कौन सी प्रोटीन विद्यमान होती है? ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो उंगली के नाखून में विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के उड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो पक्षियों के जो उड़ने की प्रक्रिया होती है उसको ब्रेलिंग के नाम से जाना जाता है, इसलिए ब्रेलिंग क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं? एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन किस नाम से जानते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन आपका क्या होता है? आपातकालीन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो बुद्धि का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। यानी बुद्धि का जो केंद्र होता है वो आपका कहाँ पर स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो रक्त का जो, देखिए रक्त लिखा हुआ है, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? रेनिन जो एंजाइम होता है वो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? तो केंद्र का विभाजन होता है उसे किस नाम से जानते हैं? कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। केंद्र का जो विभाजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो जीरोन्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। विज्ञान की वो शाखा जो बुढ़ापे की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर जो अध्ययन करती है उसे किस नाम से जानते हैं? जीरोन्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल है वो क्या है? प्रोटीन की इकाई है, इसकी यूनिट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग को एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टोनसील में एंटीबॉडी बनते हैं। जो टोनसील होते हैं वहाँ पर हमारे शरीर में क्या एंटीबॉडी बनने का कार्य होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है? तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? वसा और सेल्युलोज की बनी हुई होती है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वसा की और सेल्युलोज की बनी हुई होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। देखिए जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो तो आपकी वसा और सेल्युलोज की बनी हुई होती है, लेकिन प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है? तो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेल्युलोज है। सेल्युलोज जो है वो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयों को किस नाम से जानते हैं? गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। जीन का वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं? गुणसूत्र कहलाती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का पर मुख्य प्रदूषक है? तो सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक होता है वो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और निकोटीन होती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होती है वो सिगरेट के धुएं में निकलती हैं, तो यहाँ से जो प्रदूषण करने का कार्य करती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण करने का कार्य किसने किया था?
न्यूलैंड ने किया था? न्यूलैंड ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का कार्य किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो बेसेमर जो कन्वर्टर है उसका उपयोग किसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है? कास्ट आयरन से स्टील को प्राप्त करने के लिए बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो जो सभी तेल होते हैं वो कौन से कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड बना हुआ होता है? तो जो शुष्क सेल होता है उसका जो एनोड होता है वो किसका बना हुआ होता है? कार्बन का बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने का कार्य कौन करता है? परमाणु क्रमांक के द्वारा किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु होता है? तो विद्युत रूप से परमाणु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त करने वाला जो यंत्र है वो कौन सा होता है? तो महासागर में डूबी हुई किसी वस्तु है उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार नाम के जो यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट है उनको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक अच्छे से डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि सोनार का उपयोग कब किया जाता है, जो आपका वायुदाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दूध की मतलब शुद्धता होती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हर एक आपको इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। तो जब आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिसेलेनियस के नाम से एक फोल्डर का मिलेगा, तो उस फोल्डर में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वरना उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है? तो सेकंड का जो लोलक होता है उसकी काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड की होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? मृदु लोहा को विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम संबंधित है? तो स्नेल का जो नियम होता है वो किससे संबंधित होता है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कांच जो होता है उसमें लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण है? तो तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाने का कार्य करते हैं। तो तारे के जो टिमटिमाने का कारण है वो क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है? तो धूप का जो चश्मा होता है उसकी पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। 0 डायोप्टर होती है आपकी धूप के चश्मे की पावर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम है? तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका? निकट दृष्टि दोष है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रिनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला होता है लौंग वो कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। जो लौंग होता है वो सामान्य रूप से काम में आने वाला जो मसाला होता है वो आपका कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है उसे किस नाम से जानते हैं? यूकेलिप्टस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो जो हर्ट्ज होती है वो आपकी आवृत्ति के मापन की इकाई है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? मेंडलीव के द्वारा। आवर्त सारणी का आविष्कार, इसकी खोज करने का कार्य मेंडलीव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम विवाइक्स किस रोग का कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम विवाइक्स होता है वो किस रोग का कारण होता है? मलेरिया रोग होने वाला रोग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो कौन सा है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे? तो जो विद्युत मोटर है एसी उसका आविष्कारक कौन थे?
निकोला टेस्ला हैं वो विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसके बारे में अपन ने 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में कल अपन ने बात की थी, और 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने इस वीडियो में बात की है। सारे क्वेश्चन क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में इसे बेनिफिट मिल सके और ये सीरीज आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।